सर मैं हरदगंज के ऊपर वापिस आ रहा हूँ, ये भी जानना चाहूंगा कि इसलिए जानना चाहता हूँ, आपकी प्रतिक्रिया अगर आप दे सकते तो दे दीजिएगा जरूर, और नहीं देना तो कोई उसमें वो नहीं है कुछ। आप शायद आपने वो इंटरव्यू देखा है, हमने इंटरव्यू किया था डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे मतलब भोजपुरी फिल्म के, और वो ये बोल रहे हैं कि जो हर गंगे फिल्म बन रही है वो पूरी तरह से फ्लॉप होगी। सर इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ये शायद इंटरव्यू आपने अगर नहीं देखा तो मैं आपको मैंने बिल्कुल देखा है। देखिए क्या है, कुछ लोग बेशरम होते हैं, ठीक है, और एक ही आदमी से मुझसे ही बार बार गाली खिलवाना कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको, वो रोज गाली खाते हैं, उनकी आदत रही है, वो गाली खाते हैं, वो ही करके वहां से निकल जाएंगे गाली खा के। जो आदमी गलत होता है वो ऐसे ही निकलता है। हम प्रेडिक्शन करने वाले कौन होते हैं कि उनकी फिल्म फ्लॉप है या हिट है, राइट? सही है। अभी ठीक है, मार्केट में आया भी नहीं है फिल्म, अभी फिल्म मार्केट आया में नहीं है, अभी बंद रहा है, अंडर प्रोसेस है फिल्म, बहुत सारी चीजें बाकी है उसमें। उसमें ये प्रेडिक्शन कर देना कि फिल्में फ्लॉप है या हिट है, ठीक है भाई, आप बहुत बड़े वाले मार्केटिंग मैन है, तो कौन सी फिल्म को आपने बहुत बड़ा हिट कर दिया है और कौन सी फिल्म का आपने बिजनेस करके दे दिया, मुझे बता दीजिए जरा सर। आप बहुत बड़े मार्केटिंग मैन कहते हैं अपने आप को, कोई तो आपको दलाल भी कहता है, कोई अंग्रेजी में ब्रोकर भी आपको कह देता है, तब तो आपको शर्म नहीं लगता होगा उस समय। तो अगर समझ में नहीं आता है चीजें तो आप मत बोला करिए कुछ भी। मुझसे पर्सनली दुश्मनी है, आप निभा लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहां कहिएगा अखाड़े में आ जाऊंगा लड़ने के लिए, लड़ लीजिएगा मेरे से। लेकिन एक सिनेमा जिसमें इतने सारे लोगों का यार तो योगदान होता है, मेहनत होता है, उस सिनेमा को देखे बिना आपने हिट और फ्लॉप बोल दिया, आपने भी फिल्म बनाई है, आपके बारे में बोलेगा लोग तो बहुत अच्छा लगेगा क्या? लेकिन क्यों हम इस सिनेमा इंडस्ट्री में है, कोई बड़ी फिल्म बनाता है, कोई छोटी फिल्म बनाता है, जिसको जिस हिसाब से सुविधा के हिसाब से मिलता है उस हिसाब से वो फिल्में बनाता है। कौन सी फिल्म कब चली जाएगी, कौन सी फिल्म कब क्लिक कर जाएगी, किसी को नहीं पता है। तो हम ये प्रेडिक्शन करने वाले कौन होते हैं कि कौन सी फिल्म हिट है और कौन सी फ्लॉप है? बिल्कुल सही सर। तो मुझे लगता है कि ऐसे इरादे लेके इंडस्ट्री में काम करना अच्छा बात नहीं। सर अभी मैं ये जानना चाहूंगा कि हर हर रंगे कौन से स्टेज पे अभी तक पहुंची है, थोड़ा उस बारे में बताइए, और दर्शक तक कब तक पहुंच जाएगी, ट्रेलर इसका कब तक दर्शक देखना चाहेंगे, क्योंकि पवन सिंह के फैंस बहुत क्रेजी हैं इसको लाने के। देखिए रीजन ये है कि अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, एक शेड्यूल मेरा कंप्लीट है, अभी एक शेड्यूल मेरा और लगना बाकी है। अच्छा ठीक है, रीजन ये है कि अभी चूंकि मुझे जहाँ शूट करना है वो अंडर वाटर मुझे शूट करना है, ठीक है, बारिश का मौसम है तो अभी अंडर वाटर शूट करना पॉसिबल है, थोड़ा बारिश कम हो जाए तो उसके लिए हम जाने वाले हैं। मेरा VFX का वर्क बहुत ज्यादा है फिल्म में, ठीक है, मतलब वो छोटे 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 बहुत सारे VFX है, ऑलमोस्ट आपको पूरी फिल्म में दिखेगा, कुछ एक्स्ट्रा VFX भी है, एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी भी है उसमें अलग से, तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। हम एग्जैक्ट डेट अभी नहीं बता सकते कि हम कब रिलीज पे जाएंगे, लेकिन जब भी आएंगे बहुत दुरुस्त से आएंगे और एकदम कुछ नया ही आपको देखने को मिलेगा। अगर पब्लिक इंतजार कर रहे तो वो इंतजार के बाद लगना चाहिए उनको कि हाँ सच में हम जिस चीज के लिए इंतजार कर रहे थे वो उससे कहीं ऊपर बनाया गया है।